अच्छा कफील, कहिएगा इंटरबैंक में डॉलर की कीमत के हवाले से क्या अपडेट्स हैं आपके पास? देखिए, कल स्टेट बैंक के डॉक्टर रजा बाकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उसका खासा जो है वो पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है वो देखा जा रहा है, और रुपये में जो है वो खासा इस्तेहकाम देखा गया, और 70 पैसे जो है वो डॉलर जो है वो सस्ता हुआ, और 156.30 के लेवल के ऊपर इस वक्त जो है वो इंटरबैंक मार्केट में ट्रेड कर रहा है डॉलर। तो कल की जो बाकायदा स्पीच थी जो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसके बाद खासे जो है वो रुपये में इस्तेहकाम आए, और जो डाम आए और जो डीलर्स हैं उनका यही कहना है कि जो उन्होंने बात कही है कि आई एम एफ की जो तमाम शराइत हैं उनको मान लिया गया है, और उसके बाद अब जो अमल दरामद का वक्त आया तो वो बाकायदा 3 जुलाई से जो एग्रीमेंट है वो सबके सामने होगा, और उसके बाद जो इकॉनमी है उसको जो है वो रन किया जाएगा। तो ये खासा अच्छा देखा जा रहा है, और यही वजूहत है कि रुपए में इस्तेहकाम देखा जा रहा है। जी ठीक है, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट और इंटरबैंक में डॉलर के हवाले से कफील अहमद अपडेट कर रहे थे। कफील, आपका बहुत शुक्रिया।